ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है बधिर है, एलोरा की गुफाओं में है अकबर के रनिवास के चित्र, शेरशाह और हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ये युद्ध चल रहा है भारत कि तुम भले ही चढ़ते सूरज को सलाम बोलो, सुबह बनारस को वक्त की शाम बोलो, ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है बधिर है, एलोरा की गुफाओं में अकबर के निवास के चित्र, शेरशाह हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। क्या बात है भाई, या कह दो कि सुल्ताना रजिया गूंगी थी, मीराबाई भंगी थी, सूर अय्यास थे, तुलसी मुसलमानों के दास थे, कबीर थे सांप्रदायिक दंगों के जनक, शंकराचार्य के पिट्ठू थे नानक, मोहम्मद साहब ने पाखंडवाद को हवा दी थी और ईसा मसीह ने मरियम को मौत की सजा दी। परंतु याद रखना मुमताज की आत्मा, बाबा साहब की कलम, चित्रकारों की कूची, इतिहासकारों की लेखनी, बुद्ध के धम्म, अशोक के कर्म, रजिया की तलवार, मीरा का प्यार, सूर के गीत, तुलसी के प्रतीक, कबीर के फटकार, नानक के प्रतिकार, मोहम्मद साहब के निर्देश, ईसा मसीह के उपदेश, सरयाम ये चिक चिक कर कहेंगे, ये मोहब्बत के गुलशन में बारूद लगाने वालों, नफरत के पैमाने से मानवता को नाप नहीं सकते, मजहब की दीवार से दिलों को बांट नहीं सकते। वाह तालियां भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह प्रवीण कुमार, वाह 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 वाह। बड़ा अच्छा लगा कि उखड़ती महफिल में आपने मुझे इतना सराहा। मैं दादा को प्रणाम करता हूं, बनारस से आए हुए हैं, आप इनको देखिए और मुझे देखिए, मुझे देखने के बाद आप लोगों को ये लगेगा कि भी भारतवर्ष क्या है भैया। अरे मुझसे देखो, मेरी दुकानदारी मत खराब करो, आप मुझे देखिए और दादा को देखिए, मजा आएगा। मुझे देखिए, मुझे देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि भी भारत में काला धन है और दादा को देखिए अब काला धन सफेद हो रहा है, माने माने हो रहा है। देखिए दादा का सफेद हो गया है, थोड़ा थोड़ा उड़ भी रहा है। बालों के विषय में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल उगते हैं और काले होते हैं, और जो पत्नी हाथ फेरती है तो बाल सफेद होते हैं। ये तथ्य है, सच्चाई है, ये तथ्य है। आप डॉक्टर बैठे हुए हैं, केले के छिलका, केला आप जब खाते हैं, आप भकाइच के हैं, चौकिया, अरे वाह 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 वाह। जी 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 मैं पहचान, धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे करेंगे करेंगे, हम समझ गए। तो मित्रों ये तथ्य है, ये तथ्य है। केला आप खाते हैं, बैठिए बैठिए दादा बैठिए, केला आप खाते हैं तो हड्डियां मजबूत होती हैं, और केले के छिलके पर पैर पड़ता है तो हड्डियां, ये देखिए ये तथ्य है, सत्य। अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का रोता है तो सर में दर्द होता है, और अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रोती है तो। वाह तालियां, जोरदार तालियां बजाइए भाई। मैं सही कह रहा हूं लता जी, मैं सही कह रहा हूं, मने मने ऐसा होता है कि दादा सही कह रहा हूं। अभी देखिए सुन लो ये तथ्य सही है। अभी जब मैं घर से चला तो रास्ते में मेरा साला मिल गया, उसने कहा कि जीजा मैं बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा हूं, कुछ रोजगार बताओ। मैंने कहा कि पकौड़ा बेचो, मैंने छोटा काम से शुरू करो, व्यापार छोटे काम से ही शुरू किया जाता है। मैंने कहा पकौड़ा बेचो, इसके बाद दुकान बढ़ेगी, छोले भटूरे बेचना,
इसके बाद बढ़ेगी दुकान, बिरयानी बेचना, रेस्टोरेंट खोल लेना, और बढ़ोगे होटल खोल लेना, देखना तुम आगे चल के 5 सितारा होटल के मालिक बन जाओगे। उसने कहा कि जीजा क्यों फेंक रहे हो? हमने कहा कि अरे साले, धंधा छोटा ही शुरू किया जाता है, छोटा व्यापारी ही आगे बढ़कर के बड़ा व्यापारी बनता है। एक बंदा था, एक बंदा है, पहले चाय बेचता था। मैंने छोटा व्यापारी ही बड़ा व्यापारी बनता है। पहले वो चाय बेचता था और आज एयर इंडिया बेच रहा है। मैंने पहले चाय बेचता था, मैंने समझाया, देखो छोटा व्यापारी ही बड़ा व्यापारी बनता है। पहले वो चाय बेचता था, आज एयर इंडिया बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, LIC बेच रहा है, हो सकता है देश भी बेच। मैंने छोटा व्यापारी ही बड़ा व्यापारी बनता है। पिता तुल्य है, प्रणाम करता हूँ। वैसे आदरणीय मैं बता दूं, रोहित चतुर्वेदी, आप दुबे जी चतुर्वेदी, आप माइक से ना बोलिए, मेरा धंधा खराब मत करिए। मैं देखिए आदरणीय पिता तुल्य है, आप बैठिए ना, कहाँ जा रही हैं आप लोग? बैठिए भाई, बैठिए, छोड़िए, बैठिए। अब देखिए मेरे ये पिता तुल्य, मैं किसी को आदरणीय अहमद भाई, अपने पिता के अलावा किसी को मैं पिता नहीं कहता, पिता तुल्य से काम चला लेता हूँ। कारण क्या है कि मुझे श्राप है कि मैं दूसरे को पिता नहीं कह सकता, केवल अपने पिता को पिता कहता हूँ। नयन जी, आपसे मुलाकात मेरी हमें लगता है 7-8 बरस के बाद हो रही है, दिलदार नगर डॉक्टर सुधाकर पांडे के बाद। श्राप है, जब मैं बचपन में सब छोटा था तो मेरे पिताजी के एक दोस्त आए थे, वो भी कुंवारे थे, मैं 3-4 वर्ष का था, उनके साथ मैं खेलने लगा, वो भी मेरे साथ खेलने लगे, मैं उनको अंकल अंकल कहने लगा, वो प्यार से मुझे बहुत खिलाने लगे। उन्हें कहा कि बेटा मुझे पापा कहो, मैं भी पापा हूँ। मैंने कहा कि नहीं अंकल, आप अंकल हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं पापा हूँ, पापा कहो। बाल मन था, मैंने उनको पापा कह दिया, वो अगला बसंत नहीं देख पाए, इसीलिए मैंने पापा कहना छोड़ दिया है। किसी को केवल अपने पापा को पापा कहता हूँ और 4 पंक्तियां पिता के चरणों में निवेदित करता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिता के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां दें कि हे मेरे पिता, आप राम भी हैं, रहमान भी हैं, गीता भी हैं, कुरान भी हैं। सुनिएगा भैया कि हे मेरे पिता, आप राम भी हैं, रहमान भी हैं, गीता भी हैं, कुरान भी हैं, आप संत हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपने मेरे लिए धरती को बिछाया, आकाश को ओढ़ा, मेरी हर खुशी के लिए अपना लहू निचोड़ा, अब अंत में एक और नेक काम कर जाइए, रिटायरमेंट से पहले मर जाइए। क्या यार, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पता है कि क्या करना है। अभी मित्रों, मैं मास्टर हूं, हमारे सैनिक बंधु आप मेरे साथ ध्यान दीजिए, मैं आपका सच्चा कवि हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजाइए। छोड़िए उधर उधर छोड़िए, असल में जानते हैं क्या है, असली बात मैं बता रहा हूं, ये धरती बक्सर की है, ताड़का की धरती है, वाह वाह, जानता है ना। अब पहले जब पहले के जमाने में जब ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे, वही हो रहा है। और कोई बात, मैं मास्टर हूं, इस मंच पर मास्टर जाते हैं भाई, अहमद आदमी भी मास्टर है, मैं प्राइमरी का मास्टर, और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइमरी का मास्टर प्राथमिक विद्यालय का मास्टर सबसे बड़ा होता है, महाविद्यालय के मास्टर से विश्वविद्यालय के मास्टर से बड़ा होता है, क्योंकि
महाविद्यालय के मास्टर और विश्वविद्यालय के मास्टर हमारे द्वारा छोड़े हुए बच्चों को पढ़ा रहे, इसलिए मैं बड़ा है कि नहीं। और साबित भाई आइए बैठिए, ठीक है आप लोग आ जाइए, आइए कुछ महफिलें जमे, आइए आइए आइए, मैं चल रहा चढ़ते कि मैं पढ़ू पढ़े ना, मैं प्राइमरी का मास्टर हूं और मैं बता अभी अभी ये सारा झगड़ा दारू को लेकर हो रहा है ना, ये सारा झगड़ा दारू को लेकर हो रहा है, कविता ही पढ़ रहा हूं, किसी के खिलाफ मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। दारू पी के पत्नी का पारा सातवीं आसमान पर, उसने कहा तूने अब क्यों पी, उसने कहा कि डॉक्टर की दवा काम नहीं की, इसलिए मैं वैद्य जी के पास चला गया। वैद्य जी ने कहा कि आज वाइन लो, मैंने आज वाइन ली, मैंने आज वाइन ली। तीन दिन के बाद वो आदमी फिर जब घर जाता है दारू पी के जाता है तो पत्नी का सारा गुस्सा सातवीं आसमान पर, उसने कहा कि अब तूने क्यों पी, उसने बड़े शान से कहा कि तेरे बाप ने कही तब पी। और मैं बता दूं आदरणीय फौजी भाइयों, पत्नी कुछ भी सुन सकती है लेकिन अपने मायके के कुत्ते की भी शिकायत नहीं सुन सकती है, ये सच्चाई है। और वो तो बाप की बात है, उसने समझाया कि देखो भगवान जब हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे बाप ने हम दोनों के हाथ सर पे हाथ रख के कहा था कि आज के बाद तुम दोनों मिलकर घर बार संभालना, घर तुम संभाल रही हो बार मैं संभाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां और एक कविता में पढ़ लूं, एक कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा, गेट बंद कर दीजिए, कविता सुना। और ये कविता मेरे लिए कविता नहीं है, ये मेरे लिए पूजा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूजा में शामिल हों। आइए हम एक नए भारत का निर्माण, आप फौजी भाई इस बात के गवाह हैं कि हमें आजादी 1947 में मिली, आज 2019 चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतवर्ष में विकास नहीं हुए हैं, विकास हुए हैं, लेकिन जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी वैसा विकास हमको नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं एक नए भारत का निर्माण करता हूं, मैं एक परिकल्पना प्रस्तुत करता हूं कि भारतवर्ष की अगर शासन सत्ता कुमार प्रवीण के हाथों में होगी तो भारतवर्ष की स्थिति कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी। सुनिएगा कि आओ आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं, सुनिए भैया कि आओ आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मरुथल में फूल खिले, आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मरुथल में फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब आपस में फिर गले मिले, मिटे अंधेरा इस धरती का चारों तरफ उजाला हो, सच्चे के सिर ताज सजे और झूठे का मुंह काला। आओ आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं, आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मरुथल में फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब आपस में फिर गले मिले, मिटे अंधेरा इस धरती का चारों तरफ उजाला हो, सच्चे के सिर ताज सजे और झूठे का मुंह काला हो, प्रेम की भाषा जो बोले उसको पूरा सम्मान मिले, प्रेम की भाषा जो बोले उसको पूरा सम्मान मिले, घृणा द्वेष उन्माद की भाषा जो बोले अपमान मिले, सच्चे पीर फकीर पूज्य हो महलों और सिवानों में, कामी ढोंगी लोभी साधु पहुंचे चेहल खानों। आओ आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं, आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मरुथल में फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब आपस में फिर गले मिले, मिटे अंधेरा इस धरती का चारों तरफ उजाला हो, सच्चे के सिर ताज सजे और झूठे का मुंह काला हो, प्रेम की भाषा जो बोले उसको पूरा सम्मान मिले, घृणा द्वेष उन्माद की भाषा जो बोले अपमान मिले, सच्चे पीर फकीर पूज्य हो महलों और सिवानों में, कामी ढोंगी लोभी साधु पहुंचे जेल खानों में।
तो मेरा समाज कैसा होगा जब शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी कि सर्वलोकहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म, कि सर्वलोकहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं, असहायों की सेवा से बढ़कर के कोई कर्म, कि सर्वलोकहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं, असहायों की सेवा से बढ़कर के कोई कर्म नहीं, सत्यमेव जयते को जन जन मन मन में सम्मान मिले, जियो और जीने दो को सबसे ऊंचा स्थान मिले, कि सर्वलोकहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं, असहायों की सेवा से बढ़कर के कोई कर्म नहीं, सत्यमेव जयते को जन जन मन मन में सम्मान मिले, जियो और जीने दो को सबसे ऊंचा स्थान मिले, तो पाप का पड़ना हल्का होवे, पुण्य का पड़ना भारी हो, प्रज्ञाशील समाज से निर्मित सुरभित वस्तु सारी, पाप का पड़ना हल्का होवे, पुण्य का पड़ना भारी हो, प्रज्ञाशील समाज से निर्मित सुरभित वस्तु सारी हो, तो फूके शंख अयोध्या में। मित्रों हमारे देश के विडंबना है कि हमारी सारी विडंबनाओं की जड़ धर्म है, लेकिन जब शासन सत्ता हमारे हाथों में होगी तो हमारे देश की धार्मिक स्थिति कैसे होगी, एक बंद प्रस्तुत करता कि फूके शंख अयोध्या में तो गूंजे काशी काबा तक, और गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी पहुंचे साई बाबा तक, कि फूके शंख अयोध्या में तो गूंजे काशी काबा तक, गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी पहुंचे साई बाबा तक, अल्लाह अकबर की ध्वनि से जगन्नाथ पुलकित होवे, और हर हर बम बम की गूंजों से मक्का भी मुखरित होवे, ऐसा हम भारतवर्ष बनाएंगे, कि फूके शंख अयोध्या में तो गूंजे काशी काबा तक, गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी पहुंचे साई बाबा तक, अल्लाह अकबर की ध्वनि से जगन्नाथ पुलकित होवे, हर हर बम बम की गूंजों से मक्का भी मुखरित होवे, तो भजनों का सब झंकृत होवे, प्रातः काल अजानों में अभयारण्य बने गायों का सारे बूचड़ खानों में, भजनों का सर झंकृत होवे, भजनों का सर झंकृत होवे, प्रातः काल अजानों में अभयारण्य बने गायों का सारे बूचड़ खानों में, तो भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, मैं किसान का बेटा, हमारी प्रकृति कैसी होगी, किसानी कैसी होगी, कृषि कैसी होगी, हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कैसे, एक नाजुक बंद दे रहा हूं, आदरणीय सुनिएगा, कि भोर हुआ भोर हुआ भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे, कि भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे, गेहूं चना मटर सरसों की क्यारी सजे सिवानों में, आम पपीता केला लीची झूमे खूब बगानों, मेरा देश ऐसा हो, कि भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे, गेहूं चना मटर सरसों की क्यारी सजे सिवानों में, आम पपीता केला लीची झूमे खूब बगानों में, तो महुआ की मद मदन गंध से लोक लोक लोलित होवे, सूर्यमुखी से चंद्रमुखी का तरुक पुल शोभित हो, कि महुआ के मल मदन गंध से लोक लोक लोलित होवे, सूर्यमुखी से चंद्रमुखी का तरुक पोल शोभित होवे, तो मिल्का भोपू जब भी बोले, मैं गाजीपुर का रहने वालों आदरणी, आप जानते हैं कि गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, तो जब ड्यूटी बदलने की बात होती है तो मिल्का भोपू बोलता है, सायरन बोलता है, तो जब सायरन की आवाज आस पास की कॉलोनियों में जाता है तो लोग सजग हो जाते हैं, कि अब ड्यूटी बदलने वाला है, कोई सोचता है कि मेरा साजन घर आने वाला है, कोई सोचता है मेरा बेटा घर आने वाला है, कोई सोचता है मेरा बापू घर आने वाला है, और उस आने वाले मेहमान के स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाते हैं सज जग जग। तो मेरे शासन में हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी बन दे रहा है, कि मिल्का भोपू जब भी बोले चौखट का श्रृंगार बढ़े, बच्चों की किलकारी गूंजे आंगन में फिर प्यार, कि मिल्का भोपू जब भी बोले चौखट का श्रृंगार बढ़े, बच्चों की किलकारी गूंजे आंगन में फिर प्यार बढ़े, बूढ़ी माँ की आंखों पर चश्मों की कमी नहीं होवे, कि बूढ़ी माँ की आंखों पर चश्मों की कमी नहीं होवे, उसके पावन आंचल में रस्मों की कमी नहीं होवे, बापू की बैसाखी से बेटे का कांधा सट जाए, गैरेज और दलानों से एकाकी बन हट जाए, कि बापू की बैसाखी से बेटे का कान्हा सट जाए, गैरेज और दलानों से एकाकीपन भी हट जाए, तो बच्चा बच्चा बोल उठे कि यही हमारा नारा है, तिनका तिनका बोल उठे कि यही हमारा नारा है, पूरब पश्चिम बोल उठे कि यही हमारा नारा है, उत्तर दक्षिण बोल उठे कि यही हमारा नारा है, धरती अंबर बोल उठे कि यही हमारा नारा है, इस दुनिया में सबसे सुंदर भारत वर्ष हमारा है, इस दुनिया में सबसे सुंदर।